गढ़वा का हृदय कहे जाने वाले स्थान यानी रंका मोड़ के पास मौजूद है। सामने में बड़ा सा एक जो है टीला आपको नजर आ रहा होगा जिसका नाम है घंटा घर। यहाँ पर जो है आज हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे जी। इस बार झारखंड में जो है सरकार किसका बनेगा और यहाँ का विधायक कौन बनेंगे, हमारे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है इस बार झारखंड में सरकार किसका बनेगा? हेमंत सोरेन का। क्यों? क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार है, जमीन का लुटेरा है, हड़पने वाले हैं, ऐसे सरकार आपको क्यों चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा आरोप लगा। आरोप लगाने वाले को लगाने दीजिए। हाँ, यहाँ पे गढ़वा में देखिए विकास का गंगा बह रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से वही सरकार बने। किस टाइप का गंगा, इसको थोड़ा सा विस्तार किया जाए, कैसे आपको गंगा लगा? इससे रोड हो गया, समाधानालय हो गया, स्टेडियम हो गया, बस स्टैंड हो गया, घंटाघर सामने नजर आइए रहा है, यही सबको लेकर के। ये तो विकास नहीं विनाश है, पूर्व के प्रतिनिधि आरोप लगाते हैं। उनको लगाने दीजिए, लगाने से नहीं होगा। आदमी अंधा नहीं है, आँख से दिख रहा है ना। तो वोट इस बार किस मुद्दा पर रहेगा? विकास के मुद्दा पर। ओनली विकास जी? क्या मुद्दा रहेगा? विकास। किस टाइप का विकास? विकास तो हो गया, और क्या विकास चाहिए? चाहने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए ना। हम लोग संतुष्ट जब तक हैं तब तक रोज चाहिए। अच्छा, अभी संतुष्ट नहीं है और आपको विकास चाहिए? रोज चाहिए, पर डे विकास चाहिए। अच्छा, वर्तमान में यहाँ के विधायक कौन बनेंगे अगर जो इलेक्शन होने वाला है? ये तो हम लोग अभी निर्णय नहीं दे सकते हैं कि कौन बनेंगे। उम्मीद जताया जा सकता है। लहर कहाँ की है? लहर मिथिलेश ठाकुर का ही है। अच्छा, चलिए मान लेते अगर ये विधायक बन गए, झारखंड में सरकार जेएमएम का बन गया, तो गढ़वा को किस रूप में आप देखना चाहेंगे? क्या मंत्री जी को संदेश दीजिएगा, मैसेज उनको दीजिए, गढ़वा में ऐसा ऐसा वर्क होना चाहिए, विकसित गढ़वा होना चाहिए, हर सुविधा होनी चाहिए। सबसे बड़ी हम लोगों की मेन रोड की समस्या जो जाम का है वो खत्म होनी चाहिए, इससे निजात लोगों का बने। सबसे बड़ा समस्या ट्रैफिक का है। ट्रैफिक का है, एक बाइक लेके जाना मतलब बहुत समस्या। किनिया मोड़ से बस स्टैंड जाने में आधे घंटे लग जाते हैं। ट्रैफिक इतना जाम रहता है, सारी गाड़ियां इसी रूट से जा रही हैं। इसको प्लान वे में अलग तरीके से करने की आवश्यकता है, जो अति आवश्यक है। चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बाहर हैं। अच्छा, लहर कैसे? हम लोग चुनाव से बाहर हम लोग हैं। क्या वोट वोट नहीं देते हैं क्या? नहीं, हम लोग बाहर के हम लोग हैं। हम लोग गढ़वा से बाहर है कि चुनाव से बाहर है? गढ़वा से बाहर अभी हम लोग हैं। अच्छा, झारखंड में सरकार की? अब झारखंड से तो बाहर नहीं होना बहुत मुश्किल अभी है, कुछ भी कहना मुश्किल है, कांटे का टक्कर है। मुस्कुरा रहे हैं आप, कुछ कहना चाह रहे हैं? कांटे का टक्कर है, कुछ भी कहना मुश्किल है। हमारा वोट तो चिंता से भी नहीं छुआ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हमारा वोट तो चिमटा से भी नहीं छुआ जा रहा, हम तो इतना छुआछूत में हो गए, तो हमसे क्या पूछेगा, इसलिए हम बाहर रहे हैं चुनाव से। क्या लग रहा है इस बार का लहर कैसा? हम तो बोल के आए हैं ना, फिर से बोल दिया जाए। नमस्कार भैया, बड़ा परिवार है यहाँ पर, हाजी पीर मोहम्मद साहब हम लोगों के बचपन से बड़े परिवार रहे हैं, और जब शमीम जी इस जगह खड़े हैं तो हमको बोलना वाजिब नहीं है, यह क्लियर हो कि चिमटा से भी वोट नहीं छुआ जाएगा। चलिए, अबर का सरकार कैसा देखना चाह रहे हैं, उनका क्या मंत्री जी को एक मैसेज दीजिए कि अगर आप विधायक बनेंगे तो गढ़वा का भी ये काम बाकी है, आप इसको प्राथमिकता देते हुए करवाएंगे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बोल के आप चौपाल पर गायला हम बोल रहे। चलिए, कौन मंत्री? हाँ बोलिए, क्या क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव क्या कहेंगे, पता है ना जो चुनाव चल रहा है, पूरा पता है हमको, 5 साल हम चुनावे करा रहे हैं। अच्छा, चुनावे करा, कहाँ कहाँ चुनाव करवा चुके? सौंसे चुनाव करवा दिए। ये तो 2019 में चुनाव हुआ था और अभी हो रहा है चुनाव, 5 साल चुनावे करवा, 5 साल चुनावे होता है, जनता 5 साल देखता है, जनता का चुनाव हम करवा रहे हैं। अब चले 5 साल तक ना हो रहा है, 5 साल तक क्या देखे? क्या देखे? भ्रष्टाचार देखे और बालू का बचाव देखे और काव का, बस दो ही चीज बोल पाएंगे। क्या क्या देखे 5 साल में? 5 मिनट में बोल पाएंगे? नहीं बोल दीजिए ना, बोल दीजिए, टाइम नहीं है, रात भर टाइम। आपको ना टाइम है, हमको नहीं ना है। अच्छा, कहीं जाने वाला तो इधर आपकी मुस्कुराहट मतलब बताइए, बोलिए। हमारा मुस्कुराहट यही है कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है उच्च स्तर पर बढ़ गया है, लोगों को खत्म कैसे किया जा सकता है? क्या सत्येंद्र इसको खत्म कर सकते हैं? बाकी कोई खत्म नहीं करेगा, बीजेपी है वो अपना काम से भी दिखाएगा, वही खत्म करेंगे। 13 तारीख को अपना मत दे करके और रिजल्ट एकदम पॉजिटिव में लाना है, और कमल को खिलाना है। कमल को खिलाना है कल मोदी जी आए से?
आए थे क्या मैसेज दे के गढ़वा के हेलीकॉप्टर आया था। नहीं, चार को था, भूल हो गया, चार को था। बढ़िया देखता हूँ ना। क्या कुछ कहेंगे, कल मोदी जी आए थे? देखिए, मोदी जी आए थे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका गढ़वा के धरती पर स्वागत किया गया। गढ़वा के आजाद धरती पर पहला बार आए मोदी जी, समय से अगर अभी तक हमारे यादगार में गढ़वा के लिए पहली बार गढ़वा के धरती पर आए, उनका हम लोग गढ़वा वासी स्वागत किए। लेकिन ये राज्य का चुनाव है, वो देश का चुनाव है, वो देश के प्रधानमंत्री है, वर्ल्ड में नंबर वन पार्टी उनका है, तो प्रचार करने तो आएंगे, प्रचार करने आएंगे, उनका मैटर अलग है। लेकिन हम इतना जानते हैं ना कि कोई नेता दूध के धोवल नहीं है। कोई नेता आएगा ना तो वही भरप करेगा, पहले अपन पॉकेटिया भरेगा ना, तभी जनता के देखेगा। वो तो बोल रहे झारखंड में जितना भ्रष्ट नेता है सबका लिस्ट बन गया है, ऐसे भाषण दिए थे। देखिए क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो पार्टी होते हैं ना, एक दोनों पर जब तक कीचड़ नहीं उछाड़ेंगे तब तक अपने को सफाई कैसे मानेंगे, ठीक है? वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन विकास करना, विकास होना नहीं होना, ये पब्लिक की नज़र में घुस जाता है। और पब्लिक जब मूड बना लेती है ना तो किसी को रोकने से कोई नहीं रुकता है। हम कुछ विकास का दिखता है, कहां कुछ विकास दिखता है, जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, इसी विकास का कहां विकास, बेरोजगारी रोड अमली को विकास बोलते हैं खाली। अच्छा, विकास क्या के बोला, घर बना दिए, विकास का मतलब क्या है, विकास किसको बोला? युवा का विकास कीजिए, जब युवा विकसित होगा अपने देश विकसित हो जाएगा। पहले युवा पर ध्यान दीजिए ना, रोड नली बनैला से विकास, रोड नली नहीं बनेगा तो आप कहां चलेंगे? अरे बनाइए, लेकिन बढ़िया से बनाइए, मत कंटेंट दो ज्यादा इसको।